अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो आज से एक मरतबा फिर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थॉमस कैलकुलस के 14 एडिशन की स्टार्ट नहीं करने जा रहे। कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए थे तब, राइट, जो कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आज हम उनको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, द वेरिएबल एस इज़ प्रपोर्शनल टू सम वेरिएबल टी, और इसी के साथ एस और टी की कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है। हमें टी को एवेल्यूएट करना है व्हेन एस इज 6t। ओके, स्टार्ट से अगर आप इसको देखें तो एस इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि टी को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, स्केलर को मैं c ले रहा हूँ, c टाइम्स टी। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय प्रोपोर्शनल। इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। इसको चले 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने बेसिकली इस c की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज़ व्हेन t इज़ इक्वल टू 75, s गिवन है दैट इज़ 25। इन दोनों को जरा लगाएं 1 में, तो ये बनेगा आपके पास 25 इज़ इक्वल टू c टाइम्स 75। सिंपली 75 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू c, और अल्टीमेटली c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, 1/3। तो इसका मतलब है कि अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को री राइट कर सकते हैं। 1 इम्प्लाइज दैट s इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई टी। ले जी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब फाइनली हमने मालूम करनी है टी की वैल्यू व्हेन एस इज 60, तो इसमें ज़रा लगा दें पुट एस इज इक्वल टू 60। नहीं जी, 60 पुट करेंगे तो ये बनेगा 60 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई टी। 3 इधर आके 60 से मल्टीप्लाई हो गया, 60 मल्टीप्लाई 3, और अल्टीमेटली टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 180, एंड दैट्स इट। This is the required value of t. Okay. Next question भी exactly similar है। इसमें हमारे पास given energy, kinetic energy किसी भी mass की that is proportional to the square of its velocity। इस मरतबा थोड़ा सा different ये है कि kinetic energy is proportional to velocity के square के proportional है। I mean I can write v square. Okay. अब मज़ीद एग्जैक्टली सेम काम करना है। हम इसको लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू सी टाइम वी स्क्वायर। इसको 1 का नाम दे दें। अब आपके पास गिवन है जी, इफ़ के इज़ इक्वल टू 12,960 जूल्स एंड वी इज़ इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, तो आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। व्हेन वी इज़ इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड भी लिख लें, एंड देन आपके पास जो k की वैल्यू होगी दैट इज़ 12,960 जूल्स। ओके, सो अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ज़रा लगाएं 1 में। सो 1 इम्प्लाइज दैट 12,960 इज़ इक्वल टू c टाइम्स 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 324। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज़ c मल्टीप्लाई 324। अब जस्ट 324 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। ओके, सॉरी, c इज़ इक्वल टू 40। अब हम इस c को इस 1 में लगा सकते हैं। सो नाउ 1 कैन बी रिटन एज, या फिर आप लिख लीजिए सिंपली 1 इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू 40v स्केयर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का। अब फाइनली हमने एवेल्यूएट करना है के को, काइनेटिक एनर्जी को, व्हेन वी इज 10। अब आप इसमें वी की वैल्यू 10 लगा सकते हैं। एट वी इज इक्वल टू 10, के इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज सिंपली 100, और 100 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4000 आ जाएगा, और इसका यूनिट भी लिख लें जूल्स। एंड दिस इज द आंसर। वेल, क्वेश्चन नंबर 65 में इस मरतबा हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर और एस हैं। सो आई कैन राइट आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, तो ये 1/s आ जाएगा। वैसे ही ये आपके पास जो सिंबल है प्रोपोर्शनल का, इसको रिप्लेस आप कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से। इट इज़ एक्चुअली c/s, इसको आप 1 कह लें। अब आपके पास व्हेन s इज इक्वल टू 4 और r की वैल्यू है तब 6, इन दोनों को ज़रा पुट करें 1 में, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू c/4, और यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 24, c इज इक्वल टू 24। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर सकते हैं। नाउ 1 इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 24/s, तो ये रिलेशन आया है r और s का। एंड नाउ वी कैन सिंपली use this value r is equal to 10 to determine the value of s. So it's at r is equal to 10, हमारी ये जो equation है ये बन जाएगी 10 is equal to 24/s। इसको अगर आप वो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो s इक्वल आ जाएगा 24/10 के, which is ultimately equal to, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 12/5 है, नहीं तो 2.54 लिख लें। दैट्स द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 में अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। इस मरतबा बॉयल्स लॉ विच सेज दैट द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हेन द प्रेशर P डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। आगे बल्कि लिखा भी हुआ है वी एंड पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी कैन स्टार्ट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगेन इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट से, तो ये बनेगा c/v। एज यूजुअल इसको 1 का नाम दें। अब वैल्यूज लगा दें। पी इज इक्वल टू 14.7 एंड वी इज इक्वल टू 1000। ये दोनों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो c की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हेन v इज इक्वल टू 1000, p की वैल्यू यानी प्रेशर की, दैट वुड बी 14.7। पुट करें ज़रा इस इक्वेशन में। सो वी हैव 14.7 इज इक्वल टू c/1000। 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14.7 से, तो अल्टीमेटली C की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट वुड बी 14,700। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। नाउ 1 को हम अब रीराइट कर सकते हैं। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, वी कैन रीराइट इट एज P इज इक्वल टू 14,700 डिवाइडेड बाय V। ये रिलेशन आया है। अब हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ v व्हेन p इज इक्वल टू 23.4। सो आई कैन राइट यूज p इज इक्वल टू 23.4। सो वी हैव 23.4 इज इक्वल टू 14,700 डिवाइडेड बाई v। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल आ जाएगा 14,700 डिवाइडेड बाई 23.4। कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं वैल्यूएट करने के लिए। इसका आंसर को ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 628.2। वॉल्यूम का यूनिट भी लिख रहे हैं, दैट इज़ इंचेस क्यूब। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएँ 67 पे। 67 क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉक्स गिवन है। विद एन ओपन टॉप, यानी उसकी ओपन साइड जो है वो कवर नहीं है। उसको हमने एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड से कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि ये गिवन है आपके पास, जिसकी डायमेंशंस हैं 14 इंचेस बाय 22 इंचेस, यानी ये आपके पास डायमेंशन है 14 इंचेस और इसकी ये दूसरी वाली डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ कह लें, ये 22 इंचेस है। आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर से इसके बेसिकली इसको कट करना है। ये देखें ज़रा, तमाम कॉर्नर से इसको ये कट किया गया है और ये जो कट करना है ना, ये आपने स्क्वायर्स कट करने हैं, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ बराबर होनी चाहिए। उसने लिया भी हुआ है इक्वल साइड्स ऑफ एक्स एट ईच कॉर्नर, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने से शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी और अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना है, राइट। सो बेसिकली बॉक्स के वॉल्यूम का, यानी क्यूब शेप है ना ये, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई इट्स हाइट। अब हमें ये लेंथ विथ और हाइट मालूम कर लेनी है। देखें ये टोटल है 14, बट एक्स आपने यहाँ से इसमें से माइनस किया जब आपने बॉक्स बनाना है, और एक्स यहाँ से माइनस होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो आ जाएगी 14 माइनस 2x, क्योंकि जब आपने इसको फोल्ड करना है ना तो बाकी जस्ट ये वाला पार्ट ही बचेगा, दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली 2x माइनस करने के बाद वाला है, सही है। तो ओके 14 माइनस 2x। इसी तरह विथ की अगर बात की जाए, सेम सिनेरियो है, वहाँ पर भी टोटल है 22। हम जस्ट ये वाली कंसीडर करेंगे, चूँकि फोल्ड कर लेंगे ना तो बाकी तो फोल्ड हो जाएगी, तो ये वाली जो है ये दैट इज़ 22 माइनस 2x, क्योंकि x इधर वाली फोल्ड हो गई थी, x यहाँ से फोल्ड हो चुकी है, तो ये विथ आ गई। और जब आपने फोल्ड करनी है तो ये जो साइड x वाली लेंथ है ये वर्टिकली आ जाएगी और ये फिर इसकी हाइट बन जाएगी, दैट वुड बी x, राइट। और यहाँ से हम x की लिमिट भी वेरीफाई कर सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखें आप ये मिनिमम कंसीडर करें, 14 है ना, और आपने x यहाँ से कट किया, x आपने यहाँ से कट किया। आप फर्ज करें मैं यहाँ से इसको कट करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल मिडल से, फॉर एग्जांपल दिस, और ऊपर से भी ये वाला, राइट। हम एक वर्स्ट केस ले रहे हैं इसका कि x मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल 14 है, मिडल से लेंगे तो ये 7 होगा, यानी x को हम 7 से ज़्यादा नहीं ले सकते, जबकि आपके पास ये जो इसकी लेंथ है ये 14 इंचेस हो। तो x की जो अपर बाउंड है वो 7 है, मिनिमम ऑफ कोर्स 0 है, 0 से नीचे तो नहीं ना जा सकते। लें जी, ये आपके पास x की जो है वो डोमेन कह लें, या आप इसके x का कह लेंगे, इसकी बेसिकली बाउंड्स हैं x के लिए, इससे बाहर x की वैल्यू नहीं जा सकती। नहीं जी, अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ज़रा लगाएं अपनी इस 1 में। सो आई कैन राइट 1 इम्प्लाइज दैट v इज़ इक्वल टू 14 माइनस 2x 22 माइनस 2x मल्टीप्लाई x। मल्टीप्लाई कर लें, वैसे तो काफ़ी है इतना ही, चलिए थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई 22 होता है हमारे पास 308, और इस x को भी मैं साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 308x आ जाएगा। माइनस 2x को ज़रा 22 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 44x, और एक ये बाहर वाला x, ये x² आ जाएगा। उसके बाद 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा माइनस का 28x, लेकिन एक x बाहर वाला भी है, अगेन स्केयर आ गया। एंड देन माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, अगेन ये भी x है तो ये x³ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा अरेंज करके अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा 4x³ माइनस 48 माइनस 20, सॉरी माइनस 44 और माइनस 28, ये आ गया 72 माइनस का ही ऑफकोर्स x² एंड देन फाइनली 308x। दिस इज़ दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स। और आगे आप x की वैल्यूज़ भी लिख दें, इट कैन बी लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। इसमें भी हमारे पास एक फिगर गिवन है। इनफैक्ट इसमें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, और जिसकी हाइपोटेनियस की लेंथ है 2, दिस वन। देखें ना, ये आपके पास नंबर्स भी गिवन है, ये -1 है और ये 1 है, तो ये टोटल फिर 1 + 1 2 बन जाएगी। बेसिकली हमें करना क्या है, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये p का, ये जो p पॉइंट है y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x पे डिपेंड कर रहा हो ना फंक्शन। बेसिकली यूँ समझें कि ये जो लाइन ए बी नज़र आ रही है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइन ए बी की इक्वेशन मालूम करनी है। और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, एरिया मालूम करना है इस रेक्टेंगल का, अगेन इन टर्म्स ऑफ x। अब देखें, हमें बेसिकली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं। अगर आपको स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता लग जाए तो आप स्लोप और पॉइंट की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट में सीख चुके हैं। इसी तरह और भी तरीके हैं इसके। तो हम बेसिकली सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये b वैल्यू जो है ना आपके पास, ये b, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ठीक है। उसके लिए आप अगर इसको कंसीडर करें तो ये एक राइट ट्रायंगल भी है, दिस इज एंगल, राइट एंगल, दिस वन, और ये साइड हाइपोटेनियस है, ओके। ये आपके पास साइड है ए बी, और दिस वन इज अनदर साइड, जो कि चूँकि ये आइसोसेल्स है तो ये भी ए बी होगी, मतलब इक्वल लेंथ होंगी ना दोनों की। तो आप फिर वो फॉर्मूला, वो क्या कहते हैं उसको राइट ट्रायंगल के लिए, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये यूज़ करते हुए आप ए बी की लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें ए बी की लेंथ मालूम क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल है ना। उसके क्यों हम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये हाइट चाहिए, दिस वन, 0 से लेकर बी तक हाइट पता चलेगी तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, ओके। तो ये बन जाएगा 2 स्केयर है, ये 2 टाइम्स है ना, तो ये आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट होके 2 बन जाएगा, और जब आप दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा √2 के, ठीक है। ले जी, ये आपके पास आ गई ये वाली टोटल लेंथ। अब आपको देखें, ये वाली लेंथ में मालूम हो गई, फर्ज करें मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे वाली लेंथ भी मालूम है, दिस इज़ 1, ये लेंथ चाहिए। अगेन आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। उसके लिए हम कंसीडर करते हैं जी, लेट h बी दी हाइट, h इसकी हाइट है, दिस वन, और ये आपके पास लेंथ 1 है, दिस इज √2। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज़ कर सकते हैं, विच वुड बी h² + 1² इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो h² + 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी हैव h² इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू अगेन +1 आ जाएगी, नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 1 है, विच मीन्स b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1। y एक्सिस है ना, x तो 0 ही होगा, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1, a की ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज़ 1,0। अब आप चाहें तो 2 पॉइंट फार्मूला लगा लें, नहीं तो इसकी स्लोप मालूम करके दैन आप इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। सो हम 2 पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला क्या है, y - y1 इज़ इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 मल्टीप्लाई x - x1। यहाँ पर आप किसी भी पेयर को x1 y1 ले सकते हैं। चले मैं इसको x1 y1 कंसिडर कर लेता हूँ, और इसको हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ लगा दें, ओके। तो सबसे पहले आ जाएगा y - y1 जो कि 1 के बराबर है, y2 - y1, तो ये करना पड़ेगा 0 - 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 विच इज़ 1 - 0। साथ में x माइनस x वन है ज़ीरो। जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन, माइनस वन ही रहेगा, साथ में x आ गया। वन को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वन। लें जी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y जो कि x पे डिपेंड कर रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज़ p ऑफ x कोमा माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या करना है सेकेंड पार्ट में। इन द सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज़ सिंपली लेंथ इनटू विड्थ। तो देखें ये पॉइंट है माइनस एक्स प्लस वन, वाई के इक्वल है, तो ये बेसिकली इसकी हाइट होगी। वाई वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये नंबर होगा ना, इसका मतलब है वो y के कोरस्पॉन्डिंगली ये कंपोनेंट नंबर होगा क्योंकि इसकी हाइट है। तो हाइट फिर हम ये वाली कंसीडर करेंगे। अगर बात की जाए इसकी लेंथ की, तो लेंथ बेसिकली हमारे पास क्या होगी, लेंथ हमारे पास होगी दिस वन। अब उसने ये मेंशन किया हुआ ये पॉइंट x है, और ये कौन सा होगा, जहरी बात है ये माइनस एक्स होगा, जितना उधर है उतना ही उधर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है ये टोटल 2x होगी, ओरिजिन से राइट पे x और ओरिजिन के लेफ़्ट पे x। आप इसको लिख सकते हैं बेसिकली इट इज़ 2x और ये विथ y ले लें, y की वैल्यू लगा दें दिस वन माइनस एक्स प्लस वन, और ये हमारे पास आ गया एरिया जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके जो x की वैल्यू है ना वो 0 से 1 तक हो सकती है। लेट मी राइट x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस इंटरवल के अंदर से बिलोंग करेगा। देखें ना, आपके पास ये कंपोनेंट 1 0 है, ये 0 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इस 1 से बाहर तो नहीं जा सकता। इसी तरह x एक्सिस पर भी मैक्सिमम भी हुआ तो ये 1 तक ही जाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है ना उसमें बेसिकली हमें कुछ एक फंक्शंस गिवन है और उसके साथ उनके ग्राफ्स गिवन है। हमें ये बताना है कि बेसिकली इनको मैच करना है आपस में, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब देखें आपने सबसे पहले देखना है कि इनमें से इवन फंक्शन कौन से हैं और ओड कौन से हैं, और वो देखना मुश्किल नहीं है। जो पावर इवन है वो इवन फंक्शन है और जो ओड है वो ओड फंक्शन है। अब मैं अगर स्टार्ट करूँ फर्स्ट पार्ट से, तो ये एक इवन फंक्शन है, माइनस से रिप्लेस करेंगे एक्स को तो वो सिंपली यही फंक्शन आ जाएगा, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई के लेफ्ट पे जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही राइट पे नजर आएगा। इसका मतलब है ये जो एफ है ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, जी और एच में से कोई होगा। अब जी और एच में से कौन सा होगा ये हमने डिसाइड करना है। जी और एच में से बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन हैं जो कि इवन हैं, एक x की पावर 10 है और दूसरा हमारे पास x की पावर इसमें 4 है। अब इसमें ट्रिक ये है कि जैसे जैसे आप पावर्स इंक्रीज़ करते हैं तो ये फंक्शंस हमारे पास जो है ना थोड़ा सा बेंड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप g देख रहे हैं ना, ये x एक्सिस के करीब हो रहा है, बेसिकली तरीके से इंक्रीज़ तो हो रहा है बट उतना रैपिडली आप कह सकते हैं कि उस तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। या आप इसको जिस तरह से भी डिफ़ाइन करना चाहें, इसको नेक्स्ट सेक्शन में हमने वैसे जब ग्राफ का वो पढ़ा है ना, कंप्रेशन और उसकी स्ट्रेच करना, उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे से इसको हम रीड कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए आप यही इसको देख लें कि जैसे जैसे पावर्स हम इंक्रीज़ करते हैं ना आपका फंक्शन जो है ना यहाँ से एक्स एक्सिस के करीब शुरू होना लग जाता है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, बट अगर आप इसमें ऑरेंज कलर वाले ग्राफ को देखें तो वो थोड़ा सा स्मूथली जा रहा है, राइट, उस तरीके से रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर रहा जिस तरीके से रैपिडली एकदम से इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे आप फंक्शंस की पावर्स को एक्स की पावर्स को इंक्रीज़ करेंगे और इवन नंबर होगा तो उतना वो रैपिडली बेसिकली वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ हमें यहाँ से दिख रहा है दैट इज़ H1 जो कि ऑरेंज कलर में है। ठीक है, पी को अगर आप देखें तो उसमें एक्स की पावर 7 है, मेरे ख्याल में उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, इफ ऑड फंक्शन है, ग्राफ इसका सिमेट्रिक होता है अबाउट रीजन, और वो यही वाला है दैट इज़ एफ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है। तो ये होगा एफ फंक्शन का ग्राफ। एंड देन फाइनली हमारे पास पीछे आ गया एक्स की पावर 10 विच इज़ अगेन एन ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन है, एक्स की पावर एक इवन नंबर है हमारे पास। तो इस फंक्शन में भी अगर आप देखें तो ये रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें ये आपके पास ब्लू कलर में है, इस तरीके से यकदम ऊपर जाना शुरू हो गया, जितनी जितनी पावर इंक्रीज़ करेंगे ये मज़ीद रैपिडली इंक्रीज़ होगा। तो फाइनली जी वाला जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है वो इस फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, हमने इंस्ट्रक्शंस तो रीड ही नहीं की थी, उसने कहा है कि आपने मैच करना है इक्वेशन को उनके ग्राफ से, बट ग्राफिंग डिवाइस को यूज़ नहीं करना, और रीज़न भी बतानी है जो कि हम बता चुके हैं। एंड देन फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है सिमिलर जो पिछले वाला हमने किया था। अच्छा याद रहे इनके लिए जो बेसिक फंक्शन है ना स्टैंडर्ड, उनका ग्राफ आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फिंगरप्रिंट्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको पहले सीख चुके हैं, जैसे एक्स का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, स्क्वायर रूट एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, कुछ बेसिक वाले जस्ट उनकी बात कर रहा हूँ। तो इट्स वाई इज इक्वल टू 5x है, x की पावर है 1, दैट इज़ अ लीनियर फंक्शन। तो मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लीनियर फंक्शन ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, इट्स अ लीनियर। तो इसमें लीनियर कौन सा नज़र आ रहा है? ऑरेंज वाला जिसको f का नाम दिया गया है। b पे आ जाए, उसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 5 की पावर x, यानी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप x को बेशक नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, इसने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। और अगर आप x को ज़ीरो फर्ज करें, पुट करते हैं x को ज़ीरो लगाते हैं, तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 5 की पावर 0 विच इज़ 1। तो 0 1 से यही ग्राफ पास कर रहा है ब्लू वाला, ये पॉइंट होगा 0,1। इसका मतलब है जी इसका जो ग्राफ है दैट इज़ जी वाला ग्राफ। एंड फाइनली लास्ट पे एक्स की पावर 5 है, एक ऑड फंक्शन है, नॉन लीनियर ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, और वो हमें नज़र आ रहा है ये वाला, ये ग्रीनिश कह सकते हैं इसको, जिसको एच का नाम दिया गया है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्स टू द पावर 5। ओके, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के मज़ीद जो अगले वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।